प्रिय बंधु, अब स्वास्थ्य की ओर अर्थात अथ स्वास्थ्यम की दूसरी कड़ी हमारे बारे में के बाद ये तृतीय पुष्प उस संत के बारे में। यह सप्त शक्ति का उदाहरण है। यह हैनीमैन के जीवन की साधना व तपस्या का प्रमाण है। सत्य उतरता है उसमें जब वह नहीं रहता, होता है मात्र बांस की पोंगरी। सत्य उतरता है महासंगीत के रूप में, जो समस्त मानवता के दिलों को आंदोलित और उद्वेलित करता है। जिनसे यह अवतरित होता है उनको हम अवतार, ऋषि, जिन, बुद्ध, ईसा आदि नामों से मर अपने अपने घेरों में बांध दुकानें चलाने लगते हैं। लेकिन ये सब समस्त घेरों से परे पूरी मानवता की धरोहर हैं। समस्त स्थानों, संप्रदायों, समूहों, कथित राष्ट्रों के काल्पनिक नक्शों से परे ये स्वयं हैं और सबके हैं। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन ऐसे ही व्यक्तियों में से एक है। जन्म जर्मनी में, मृत्यु मादाम मेरी मिलानी, प्रेयसी और सहचरी के शहर पारी में। शिक्षा प्रचलित चिकित्सा प्रणाली में, शिक्षा समाप्ति पर ही जाना, जो सीखा उससे मानवता का हित नहीं वरन अहित ही होगा। आजीविका के लिए चुना अनुवाद का अवलंबन। 11 वर्ष विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता यह अद्भुत पृथ्वी पुत्र इसी कला से अपने कुटुंब का भरण पोषण करता रहा। एक दिन जैसा होता है इस तपस्वी के समक्ष सत्य प्रकट हुआ। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटियोर और लाइक क्योर्स लाइक। लगा पूर्व का क्षितिज बाल रवि की स्वर्णिम किरणों से धूसर हो गया है। क्रमशः समस्त आकाश हजारों सूर्यों के प्रकाश से प्रकाशित हो गया है। पक्षियों के मधुर और विभिन्न प्रकार के गानों से गगन मंडल गूंज उठा है। मानवता के लिए देवी सरस्वती के कण से अमृत वर्षा हुई है। हाँ, सत्य मिला और साथ ही मठाधीशों से युद्ध आरंभ हो गया, क्योंकि इनके दर्शन शास्त्र आर्गेनन के पहले सूत्र की टिप्पणी से शंख ना दो। चिकित्सक का साध्य महत प्राण वाइटल फोर्स की अंत क्रियाओं की प्रकृति और अदृश्य अंत अंग संस्थान का कारक जहां रोगों की उत्पत्ति होती है के बाबत थोथी कल्पनाओं तथा परिकल्पनाओं के कथित प्रबंधों के जालों का बुनना नहीं है। तथ्य है कि बहुत से महत्वाकांक्षी चिकित्सकों ने अपना समय और कुशलता इसी पर गवाई है, ना ऐसे प्रयासों में जहां रोगों के कारणों के बारे में अर्थहीन शब्दों तथा लच्छेदार अस्पष्ट भाषा जो भोले भाले आदमी को चमकृत लगे, लेकिन रुग्ण मानवता सहायता के लिए आह भरती रहे। अंतहीन विवेचना और कोरी कल्पना प्रस्तुत करना है जो गुप्त रहती है। ऐसे विज्ञजनों को जिनके नाम पर दवाई दी जाती है और जिनके लिए विशेष पदों की रचना की जाती है बहुत सह लिया। अतः अब समय आ गया है कि जो लोग अपने आप को स्वास्थ्य रक्षक कहते हैं, अब दुखित मानवता को कोरी बातों से ना बहलाएं, वरन काम से उसकी सहायता करें और उसे उसका स्वास्थ्य प्रदान करें। इसलिए सत्य का यह खोजी परिवार चक की भांति अनवरत एक स्थान से दूसरे तीसरे जीवन पर्यंत चलता ही रहा। कारण, सत्य व्यापार नहीं हो सकता, शिक्षा व्यापार नहीं हो सकती और स्वास्थ्य भी व्यापार नहीं हो सकता। ओशो ने पतंजलि के बारे में कहा है,
इनने योग को विज्ञान के धरातल पर ला खड़ा किया, जहां कल्पनाओं, दुराग्रहों, आस्थाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। योग दर्शन सूत्रों में आबद्ध है, जिनमें अर्थ विराम विराम तक ना जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। यही मैं हैनीमैन के बारे में अनुभव करती हूँ। इस संत ने चिकित्सा शास्त्र को विज्ञान की भूमि पर स्थापित किया और साथ ही कला की ऊंचाइयों से परिचित कराया। पूर्ण जीवन दोनों विज्ञान और कला का संगम। हैनीमैन का ऑर्गनन एफोरिज्म्स में लिपिबद्ध है। समस्त दुराग्रह, परिकल्पनाओं, संस्कारों से परे शुद्ध परीक्षण व निष्कर्षों की सुदृढ़ नींव पर खड़ा है, और यह भी पतंजलि की भांति एक ही जीवन में। आइंस्टीन ने पदार्थ के अणु को तोड़कर इसके अंदर निहित विपुल ऊर्जा का उद्घाटन किया। उपयोग में हिरोशिमा व नागासाकी के विनाश का मानव ने तांडव नृत्य देखा, और हैनीमैन ने इससे 100 साल पहले पतंजलि की तरह मानव के अणु की बहती ऊर्जा का निरोध करने की तकनीक का आविष्कार किया, व्यक्ति की महत्ता के शिखर की स्थापना की, जिसे योग कहते हैं, जिससे जिसके बारे में कृष्ण कहते हैं, योगस्थ करो कर्माणि। इसीलिए यह संत कह सका, मैं व्यर्थ नहीं जिया। व्यक्ति की व्यक्ति से पहचान ही जीवन का ध्येय है। जीवन सतत बहती ऊर्जा है। जीवन के पथ पर आई रुकावटें, अवरोध या विपत्तियां भी जीवन के विपरीत बहती ऊर्जा ही हैं। सब ऊर्जा है, ये जगत भी ऊर्जा का ही खेल है। आज विज्ञान इस निष्कर्ष पर आ खड़ा हुआ है। यही सत्य की शक्ति का प्रमाण है, यही सत्य की विजय है। सत्यमेव जयते। यदि जीवन ऊर्जा है तो उसकी गति में भी ऊर्जा से ही विचलन होगा। इसलिए रोग पदार्थ नहीं वरन ऊर्जा ही है। इस क्रांतिकारी उद्घोष के उद्घोषक डॉक्टर हैनीमैन को मैं संत मानती हूँ, ऋषि कहती हूँ और उनके उन्मुख नतमस्तक होती हूँ। लेकिन इसी घोषणा ने पश्चिम के विचारकों के पदार्थवाद की नींव हिलाकर रख दी। वे समझ ही नहीं सके कि ये कह क्या रहे हैं। यह उसी प्रकार था जैसे जब गैलीलियो ने कहा था कि पृथ्वी नहीं वरन सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, और इसी वाक्य ने पादरी जगत में हड़कंप मचा दिया था। फिर जिस प्रकार न्यूटन के आने पर ये मूर्ता टूटी, उसी प्रकार आइंस्टाइन के आने पर पदार्थवाद के मिथ की धज्जियां उड़ गई। इतना ही नहीं, इन्हीं लोगों ने इसका दुरुपयोग कर मानवता के मुंह पर कालिक पोत दी। परंतु इस मूर्ता को क्या कहा जाए जिस हैनीमैन ने इस ऊर्जा का सदुपयोग कर मानव को मानव की महत्ता से परिचित कराया, उसे स्वास्थ्य देने की तकनीक दी। तो क्या उसी महामानव को हम आज तलक स्वीकार और अंगीकार नहीं करना चाहते? लेकिन मानव की मूर्ता देखिए, यही मूर्ता मानवता को मिटाने के लिए परमाणु में निहित विपुल ऊर्जा का दुरुपयोग कर एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब आदि का विकास कर रही है। आदमी इतिहास से क्या सीखता है कि वह कुछ सीखता ही नहीं। यदि ऐसा है तो अपने कानों में उंगली डाल अपने विनाश का इंतजार कीजिए, नहीं तो आइए इस संत के सत्य को आत्मसात कर देवत्व के पथ पर अग्रसर हों। यही हमारी समस्त सत्य के पुजारियों के प्रति होगी सच्ची श्रद्धांजलि और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए श्रेष्ठतम भेंट, जो हमारी ओर कातर निगाहों से निहार रही हैं।